सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल खबरों का विस्तार करांगे, पर सब तो पहले एक नज़र हुण तक दीआं सुरखियां ते। कोरोना के विगड़ते हालात विचकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सूबों के मुख्यमंत्रियों नाल कीती बैठक, कहा कोरोना तो बचा लई हिदायतों की पालना कर लोक। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिया वड्डा फैसला, सरकारी मैडिकल कॉलेजों में 400 नर्सा 140 टैक्नीशियन की फौरी भर्ती करने दिए हुक्म। चंडीगढ़ प्रशासन ने लिया वड्डा फैसला, हुण नहीं लगेगा एक हफ्ते का लॉकडाउन, हुण चंडीगढ़ च रात 9 बजे तो लगेगा नाइट करफ्यू। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कोरोना दे विगड़दे हालात विचकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सूबों के मुख्यमंत्रियों नाल अहम बैठक की। इस बैठक च दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होए, जिस विच उन्हां दिल्ली में चल रही ऑक्सीजन की कमी का मामला चुकया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपील की है कि ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है, सरकार को देश के ऑक्सीजन प्लांट को कंट्रोल लिया के फौज को सौंप देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह मुख्यमंत्री होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। अरविंद केजरीवाल ने सरकार को अपील की है कि हवाई मार्ग राही भी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कई हस्पतालों में एक ही घंटे की ऑक्सीजन बची है, अजिहे विचों की कारण। केजरीवाल ने कहा कि कई बार उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से मदद मंगी जो मिली भी सी, पर वह हुण भी थक गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस नाल सब तो वध प्रभावित 10 सूबों के मुख्यमंत्रियों नाल चर्चा करके लाग की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। उत्थे इस दौरान पीएम मोदी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नाल नाराज नजर आए। दरअसल केजरीवाल ने पीएम मोदी नाल जो गल की उसनू लाइव कर दिता। मोदी ने इस उत्ते नाराजगी जताई कि केजरीवाल ने उस गलबात नू लाइव क्यों किया। इसते केजरीवाल ने सफाई दी कि इसनू लैके कोई निर्देश नहीं दिता गया सी ते इसनू लाइव नहीं कर सकते। केजरीवाल ने कहा कि इसलिए माफ़ी चाहता हाँ, तो अगे तो अजिही गलती नहीं होगी। कोविड में वाधे के मद्देनज़र सूबे दी सेहत सेवाएं मजबूत करने लई पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकारी मैडिकल कॉलेजों में 400 नर्सा 140 टैक्नीशियन की फौरी भर्ती के हुक्म दे दिए ने। इस दे नाल ही मुख्यमंत्री ने सूबे में मैडिकल कॉलेजों के प्रवानित प्रगति अधीन प्रोजैक्टों में तेजी लियाउण दे निर्देश दिए, ताजो मैडिकल के बुनियादी ढांचे के विकास में पंजाब पिछे न रहे। मुख्यमंत्री जिन्होंने इस तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग दौरान मुद्दे नूं चुकिया सी, उन्होंने कहा है कि वह छेती ही प्रधानमंत्री नूं पत्र लिख के पंजाब विच नागरिकां नूं कोविड बैड मुहैया करवाउण लई मिलटरी हस्पतालां अते पीजीआई सैटेलाइट सेंटरां नूं हदायतां देण की मांग करनगे। उन्होंने जोर दे के कहा कि इस उद्देश लई आरजी ढांचे की वरतों की जा सकती है। पिछले एक साल दौरान कोविड महामारी के मद्देनज़र विभाग वालों कीतियां पहलकदमियां बारे भी मुख्यमंत्री ने पीएम नाल गल की। चंडीगढ़ में ना ही एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जाएगा तो ना ही वीकेंड लॉकडाउन लगेगा। इस संबंधी प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की अगुवाई में हुई वार रूम की मीटिंग दौरान फैसला किया गया कि शहर में लॉकडाउन नहीं लाया जाएगा। दसणयोग है कि शहर के कारोबारियों के विरोध तो बाद प्रशासन वालों फैसला किया गया, क्योंकि शहर में लाए गए वीकेंड लॉकडाउन का कारोबारियों वालों विरोध किया गया। पहले इन चर्चावान का बाजार गर्म से कि कोरोना केसों में वेखते हुए शहर में एक हफ्ते का लॉकडाउन लाया जा सकता है, पर अज की मीटिंग तो बाद साफ हो गया कि शहर में किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगेगा। हालांकि नाइट करफ्यू जारी रहेगा, जिसका समा रात के 9 बजे तो सवेर के 5 बजे तक रखा गया। जिथे एक पासे देश ऑक्सीजन की घाट नाल जूझ रहा, उत्थे ही दूजे पासे पानीपत तो सिरसा आ रहे ऑक्सीजन टैंकर के रस्ते विच गायब होने की खबर है, जिसनों पानीपत पुलिस एक्सकॉर्ट करके सिरसा लिया रही थी, जो कि राह विच ही गायब हो गया। इस घटना नूं पूरे 24 घंटे बीत चुके हैं, पर ऑक्सीजन टैंकर का कोई पता नहीं लग रहा। इस बारे जानकारी दिंदिया सिरसा के SP ने दसिया कि इस मामले बारे पानीपत पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिस दे नाल ही सिरसा विखे एक होर टैंकर मंगवाया गया, जिसनों पुलिस की निगरानी हेठ लिया गया। पानीपत विखे ऑक्सीजन टैंकर के गायब होने बाद फरीदाबाद पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस वालों ऑक्सीजन टैंकर लियाउण दे लई एक ग्रीन कोरीडोर बनाया गया, जिसनों पुलिस वालों सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह ऑक्सीजन टैंकर शहर के कोविड हस्पतालों में सप्लाई किया जाएगा। कोविड मामलों में निरंतर वाधे कारण पैदा हुई अणकियासी स्थिति के चलदिया पंजाब सरकार वालों 28 अप्रैल तो शुरू हो रहे नवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के इतिहासिक 400वें प्रकाश पर्व के समागम वर्चुअल तरीके मनाने का फैसला किया गया। यह ऐलान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वालों कीर्तन के सीधे प्रसारण की व्यवस्था टैलीविजन और होर सोशल मीडिया चैनलों उत्ते की जाएगी, लोगों को अपने घरों तो ही सरबत के भले लिए अरदास करने की अपील की जाएगी।
उन्हें कहा कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भी बीजगीर कौर गल करेंगे कि संकट की स्थिति में वेखद सारे समागम वर्चुअल तरीके बदल दिए जा। सबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस पार्टी खिलाफ उठ रहे बगावती सुरों में वेखद कांग्रेस के कई नेतावान ने सिद्धू खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिता है। नवजोत सिद्धू वालों की जा रही बयानबाजी से निशाना बहुत कांग्रसी विधायक राजकुमार वेरका ने कांग्रेस हाईकमान इसकी शिकायत की है कि पार्टी के जो अंदरूनी मामले ने पार्टी पद्धर उत्ते ही हल किए जा सारे लीडर सख्त हदायत की जाए। उन्होंने बगैर नाम लाए सिद्धू की हाईकमान शिकायत की है कि सियासी लीडर बेतुकी बयानबाजी कर तो रोकया जाए। उधर विधायक रवनीत सिंह बिट्टू ने भी सिद्धू उत्ते निशाना साधद कहा कि सिद्धू शेरो शहरी करके लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं, हालांकि गल्लां करने नाल कुछ भी नहीं होता। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी मुश्किलां उन्होंने अपने ही वधा रहे हैं। जिथे सबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू हर सियासी मंच तो अपनी ही सरकार खिलाफ मोर्चा खोलते आ रहे हैं, उत्थे राज्यसभा मैंबर शमशेर सिंह दुल्लो भी अपने विवाहक अंदाज नाल कांग्रेस को जनता की कचहरी में खड़ा कर रहे हैं। हुण दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की मंग लैके दुल्लो ने कांग्रेस लई नवीं मुसीबत खड़ी कर दी है। बरगाड़ी कांड च सिट की रिपोर्ट को लैके दुल्लो ने कहा कि अकालिया के समय बेअदबी हुई तो लोगों ने गुस्से में उन्होंने यह हल किया कि पार्टी खत्म हो गई है। कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल दौरान इसकी जांच हुण तक पूरी नहीं करवाई। इतने कांग्रेस उत्ते शरेआम दोष लग रहे हैं कि अकालिया को बचाया जा रहा है, इसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पवेगा। अनुसूचित जाति कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला ने हुशियारपुर एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करदे मुकेरिया के पिंड पंडोरी विखे गुरु साहबान दस्वीर की बेअदबी उत्ते सख्त नोटिस लिया। विजय सांपला ने जिले के पुलिस अधिकारी मीटिंग करके मामले में शामिल दोषियों को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए हैं। दस दिए कि बीते दिन पिंड पंडोरी के श्री गुरु रविदास गुरद्वारा साहब विखे लगिया गुरु साहबान दवित्र तस्वीर कुछ व्यक्तियों ने झाड़ू नाल उतार के तस्वीर की बेअदबी की। इसनों ध्यान में रखद नोटिस लिया गया। पंडोरी लमीन जिहड़ा मुकेरिया हल्के दे विच पिंड पैंदा उत्थे गुरद्वारा साहब गुरु रविदास महाराज जी दी तस्वीरां दे नाल बेअदबी कीती गई। कल्ला इन्ना ही नहीं, उत्थे गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी दीआं वी तस्वीरां लगियां सी गुरद्वारा साहब च, और वो सारियां जिहड़ियां उतारियां और उतारियां भी झाड़ू दे नाल, जिहड़ा कि लोगों के एक बहुत बड़ा इतराज दलित समाज भी सी, और असी जिहड़ा गुरुआ के प्रति श्रद्धा जिन्नी रखते हैं सारयां नूं पता कि गुरु रविदास जी और गुरु नानक जी गुरु गोबिंद सिंह जी साडे सारयां लई सत्कारयोग ने, और वो भी उतारण वाले सत्कार जिहड़ी कमेटी के नां दे उत्ते एक जिहड़ा गैर सत्कारी काम जिहड़ा उन्होंने किया अमानवीय किया उहदे लई असी परचा दर्ज करने की सिफारिश की सी, और पुलिस ने परचा दर्ज करके दो व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है। दुबई के प्रसिद्ध कारोबारी सरबादा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के मुखी डॉक्टर एस पी सिंह बराई ने एक बार मुड़ लोड़वंदा का मसीहा बनद्या लालची एजेंटा के धोखे का शिकार हुए छह बेबस नौजवान लड़के लड़की ने अपनी जेब विचों वड्डी रकम खर्च करके दुबई तो सुरक्षित वापस पुजदा किया है। दुबई में धोखे का शिकार होने तो बाद अनेक ही मुसीबत चलने उपरंत आर्थिक पक्षों कमजोर परिवारों के बच्चे अमृतसर के श्री गुरु रामदास कौमांतरी हवाई अड्डे उत्ते पहुंचे। इस संबंधी जानकारी दिंदिया ट्रस्ट के मुखी डॉक्टर एस पी सिंह बराई ने दसा कि ट्रस्ट वालों समाज भलाई के उपराले लगातार किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों ने अपील की कि वह सही पड़ताल उपरंत ही अपने बच्चों को विदेश पहुंचा। पिछले दो तीन दिनों तो मैं कुछ चार कु लड़के जिले कि शंकरपुरा पिंड है बटाले का डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर उन्होंने अप्रोच की थी, जिन्होंने जोगिंदर सिंह है कुलविंदर सिंह बलजीत सिंह अवतार सिंह फिर नाल दो लड़कियां है जी माफिया डिस्ट्रिक्ट मोगे की है ते एक गगनदीप कौर की कुड़ी है वो डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर की है। सो इन्होंने अप्रोच किया इसे तरह एजेंटा वालों फसिया सगिया तो अज असी इन्हों का जो दो दिन पहला इन्हें कोरोना टेस्ट कराते टिकटा करा दी सी और इंडियन कौंसलेट की हैल्प नाल इन्हों आउटपास बना दिए गए थे। सो अज अमृतसर जरा पहुंचा दिता है इन्होंने अच्छ तो इतने मैं एक अपील करनी चाहागा। सब तो पहला तो मैं पेरेंट्स को कहना चाहागा कि तुम जिसले अपने बच्चे चाहे लड़की है चाहे लड़का है जो बाहर भेजते हो तो थोड़ा सोच समझ के भेजा करो। जो तुम एजेंट कोई पेपर दिता कि इसनों असी इस जगह पर दे रहे हैं यदा वीजा तुम देंगे जो अपॉइंटमेंट लैटर देंगे कृपा करके वह जो लैटर है सू सा डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑफिस है जो सरबत भला चैरिटेबल ट्रस्ट के उत्थे पहुंचाओ असी तुम्हें एक हफ्ते के अंदर अंदर जरा असी वेरीफाई करके भेजा कि हाँ ये कंपनी ठीक है तुम इतने भेज दो बच्चा खराब नहीं होगा। फिरोजपुर के कस्बा मल्लावाला पुलिस ने तीन नशा तस्कर काबू किया जिन्हों को 200 ग्राम हैरोइन एक बुलेट मोटरसाइकिल एक कार दो कंप्यूटर कंडे बरामद किए गए हैं।
इस बारे थाना मल्लावाला के SHO ने दसा कि पुलिस वालों ने दो साथियों पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्होंने पूछगिछ दौरान इन तस्करों के नाम का खुलासा किया। अमृतसर अकाली दल की मीटिंग गुरद्वारा अटारी साहब विखे हुई, जिस विच पार्टी के यूथ विंग के प्रधान इमान सिंह मान, जसकरण सिंह, कान सिंह वाला, हरबीर सिंह संधु, एडवोकेट नवप्रीत सिंह मन्नण अते प्रोफेसर महेंद्रपाल सिंह समेत होर पार्टी वर्करां ने उचेचे तौर पर शिरकत की। पत्रकारां नाल गलबात करदिआं इमान सिंह मान अते जसकरण सिंह, कान सिंह वाला ने कहा कि 1 जून 2015 नूं बुरजवार सिंह वाला विखे एक गिणी मथी साजिश तहत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप नूं जाणबुझ के सिरसे वाले साध दे चेले ने चोरी कर लिया सी। इस पावन ग्रंथ नूं सुप्रीम कोर्ट वल्लों जागत जोत की मानता दी गई है ते उसके पत्रे पढ़ के खिलारदे होए घोर अपमान किया गया। उन्हें कहा कि इस दे दोषियों नूं सख्त सजावां मिलनियां चाहीदियां ने। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इन्ना ही, तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी के नाल।